हरियाणा गौरक्षक दल धमकी मामले को लेकर फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान, इंजीनियर वनू विधायक आफताब अहमद मिले पुलिस कप्तान वरुण सिंगला से। नू विधायक आफताब अहमद तथा फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान, इंजीनियर नू पुलिस कप्तान वरुण सिंगला से मिले। हरियाणा गौरक्षक दल ने दी थी धमकी ममन खान इंजीनियर को, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो किया गया था वायरल। इससे अलावा एक बार पहले भी दी जा चुकी है चंडीगढ़ आने पर टांग तोड़ने की धमकी फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान इंजीनियर को। पुलिस कप्तान से मिलने के बाद मामन खान ने कहा कि विधानसभा सत्र में कुछ मुद्दे उठाए थे, उसी पर गौरक्षक दल के एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया है, उसी के सिलसिले में आज पुलिस कप्तान से मिले हैं। वही आफताब अहमद ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमराए हुई है, आए दिन विधायकों को धमकी दी जा रही है। अब से पहले 5 विधायकों को धमकी दी गई थी और अब फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान को भी धमकी दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है कल, तो कुछ जो मेवात के मुद्दे थे, मैंने मेवात के और जिस तरह से कुछ ऐसे सामाजिक तत्व लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे थे, कानून को अपना हाथ में ले रखा था, उनके खिलाफ मैं विधानसभा में बोला था। तो उसके पश्चात अनजान व्यक्ति जिसका वीडियो वायरल हुआ है और जो जान से मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि 4 सितंबर को हम यहाँ महापंचायत करेंगे, हम विधायक मामन खान को देखेंगे, उसको लेकर मैंने सबको इसकी कंप्लेंट कर दी, मुख्यमंत्री, DGP, स्पीकर सर और अपने SP, DC, ADGP, CID सभी को मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी है। SP साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई उसके ऊपर हम करेंगे। आपसे पहले भी इस तरीके की आपको धमकी मिली थी? उससे पहले भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने मुझको धमकी दी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, टाइम आएगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी अपनी सब कहते हैं दायरों को पार कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई कराओ। चलो वो कहने में और करने में बहुत अंतर है, कोई ऐसी बात ना, कमज़ोर कोई भी नहीं है। वो तो पुलिस ही बताएगी, पुलिस SP साहब ही बताएंगे, आप पूछोगे तो उससे कि उसे कुछ पहचान हो पाई नहीं पाई है, मैंने लिख इनको भेज दिया है। हाँ मिला है, SP साहब ने कहा बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आज हमारे जो फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं मामन खान जी, उनको फिर से जो है एक वीडियो के माध्यम से एक धमकी दी गई है। उनके साथ पहले भी धमकी दी गई थी, हरियाणा में अन्य 5 विधायकों को पहले धमकी दी गई थी। इस तरह की धमकी दर्शाती है कि कानून व्यवस्था की किस तरीके की हालत है हरियाणा में, और मैं नहीं समझता कि कानून का किसी को खौफ है। चुने हुए नुमाइंदे को बार बार इस तरह की धमकी मिलना और उस पर किसी तरीके का कोई संज्ञान न लेना, ये दर्शाता है कि पुलिस और कानून व्यवस्था कितनी जो है इच्छा शक्ति, कितनी उनकी जो है अपनी कार्य करने की क्षमता जो है कितनी उसको प्रश्न चिन्ह के अंदर आ रही है। और हम ये मांग करते हैं कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और उसको बार बार इस तरह की धमकी मिले, कानून को अपने संज्ञान में लेके इस चीज़ को पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें बार बार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई।